नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सगुण साकार ईश्वर की उपासना, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना। यद्यपि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो भी दोनों की अलग अलग शर्तें यहाँ पे बताई थी उस दिन। जो सगुण साकार की उपासना करते हैं उनमें तीन गुण होने चाहिए, उनकी तीन शर्तें हैं, और जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं उनकी भी तीन शर्तें हैं। तो सगुण साकार वालों में सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या बताया था? सबसे पहले नित्य युक्ता, मई आवेश मनोबुद्धि, सबसे पहला था अपने मन को मेरे अंदर, मेरे वश में नहीं, मैं आवेश, आवेश कहते हैं प्रवेश करके, मुझ में डाल करके। तो हमेशा ईश्वर में ही मन लगा रहे, मन ईश्वर में डाल दें, ये अर्थ है मैं आवेश का। लेकिन कितनी देर के लिए? एक दो घंटे के लिए, सुबह शाम के लिए? नहीं, नित्य युक्ता, सतत, ये दूसरी शर्त। और तीसरी क्या बताई थी? पराया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर के ये तीन काम करने हैं। तो इन तीनों को मिलाकर के ही फिर ईश्वर प्रणिधान बनता है, जो योग दर्शन में भी एक उपाय बताया, वहां पे बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, उन चित्त की वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है। फिर अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है वो बताया, फिर वो अभ्यास कितने दिन करना है वो बताया, फिर उसके बाद वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात वो समाधि बताई कि उनके द्वारा हम वृत्तियों को रोक सकते हैं। फिर उसमें भी दो प्रकार का बताया, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, और उसमें भी फिर तीसरी बताई श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, और वो सारा बता करके फिर एक उपाय क्या बताया, ईश्वर प्रणिधानात्वा। पीछे के ये सारे साधन अभ्यास वैराग्य से लेकर के और 23 नंबर जो सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात्वा, अथवा अब किसी को अभ्यास करना उसको आता ही नहीं है, इतना जागरूक रहना आता ही नहीं है, वैराग्य उसको पता ही नहीं है, वो उस वाले काम को करने में थोड़ा सा चूक जाता है, तो उसको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम इस साधन से भी उसको नहीं करना रहा है, तो उसके लिए फिर एक उपाय बता दिया ईश्वर प्रणिधानात्वा। अथवा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहने से भी चित्त की जो नेगेटिव वृत्तियां हैं वो रुक जाती हैं, फिर एक ही वृत्ति में रहता है व्यक्ति, ईश्वर प्रणिधान की वृत्ति में रहता है। तो ईश्वर प्रणिधानात्व मतलब ये एक, इन सारे उपायों से अपने आप में एक विशिष्ट उपाय है, तो वो ही यहाँ पर ये कह रहे हैं सगुण साकार की उपासना के लिए, ये वैसा ही वर्णन है। मई आवेश मनोबुद्धि ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्ततमा मता। फिर अगला इनके लिए भी तीन बताया, संयम में इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को अपने वश में करके, निर्गुण निराकार की जो उपासना करने वाले, जिनको लगता है कि हम तो अपने शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहते हैं और संसार के जितने शरीर हैं उनसे भी उपरत रहना चाहते हैं, और हम तो केवल चेतन तत्व का, ईश्वर तत्व का ही हम आस्वादन करना चाहते हैं, और अपने भी
शुद्ध चिन्मय रूप में ही प्रतिष्ठित रहना चाहते हैं, इस प्रकार की जिनकी प्रकृति है ज्ञान योग, वो उनके लिए तीन शर्तें फिर संयम में इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को अपने वश में करके, पहला फर्स्ट, सर्वत्र संबुद्धय दूसरा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, तो वो फिर मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी बताई सर्वभूत हिते रता, जो सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए हैं, सर्वभूत हिते रता माने सबके कल्याण में लगे हुए हैं जो, ये तीन शर्तें हो गई। पहली जो शर्त है संयम में इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को अपने वश में करके, योग दर्शन में इंद्रियों को वश में करके जब साधक वश में कर लेता है तो उसका परिणाम क्या बताया है, सूत्र याद है, तो इंद्रिय जय का परिणाम क्या बताया है वहां बताना, इंद्रिय जय और भूत जय आते कहाँ हैं पहले तो ये बताओ, कौन से पाद में आते हैं, विभूति पाद में आते हैं, तृतीय पाद में आते हैं, भूत जय का सूत्र कौन सा है बताओ, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात भूत जय, स्थूल रूप में स्वरूप में, स्वरूप माने भूतों का अपना स्वरूप भूत तन्मात्र, और सूक्ष्म और अन्वयार्थवत्व माने मूल प्रकृति, वो मूल प्रकृति के तो तीन गुण आ रहे हैं भूतों में, तो इनमें संयम करने से भूत जय भूतों को जीत लेता है योगी, और भूतों को जो जीत लेता है तो फिर कौन सी सिद्धि मिलती है, फिर ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत्त तद धर्मान विघातश्च, फिर ये अणिमा लघिमा गरिमा आदि जो सिद्धियां है ना अष्ट सिद्धियां, उनकी प्राप्ति तब होती है जब भूतों को जीत लेता है, माने इस भौतिक शरीर को जीत लेता है या बाहर के भी पांच भूतों को जीत लेता है, तो फिर इस साधक को अणिमा गरिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं, और काय संपत्त, उसको काय संपत्त मिलता है, तद धर्मा अनभिघातश्च, और जो भूत हैं उनके धर्म इसका अभिघात नहीं करते हैं, इस साधक का अनभिघातश्च, अर्थात वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि कठोर पर्वत में भी वो घुस सकता है, हम तो नहीं घुस सकते, हम तो दीवार में भी नहीं घुस सकते क्योंकि ये स्थूल शरीर है और वो भी भौतिक है, तो हम नहीं घुस सकते ना उसमें, भौतिक भौतिक में नहीं घुस सकता है, स्थूल स्थूल में नहीं घुस सकता है, सूक्ष्म स्थूल में घुस सकता है, यदि आप इस दीवार पे पानी डालें तो पानी अंदर चला जाएगा क्योंकि वो सूक्ष्म है, हवा उसमें चला जाता है क्योंकि वो सूक्ष्म है हवा, तो ऐसे ये योगी जा सकता है, उसको कहा तद धर्मा अनभिघातश्च, वो जो स्थूल भूत जो पांच भूत है उनका जो धर्म है वो इसको अभिघात नहीं करता, इसको रोक नहीं सकता है, वो स्थूल भी हो सकता है सूक्ष्म भी हो सकता है ये योगी। और उसके बाद फिर वो एक बीच में सूत्र दे दिया, क्योंकि यहाँ इस सूत्र में काय संपत्त शब्द आया है कि काय संपत्त क्या होता है, तो फिर उसको स्पष्ट करने के लिए सूत्र बना दिया वहां पे, रूप लावण्य बल वज्र संघन नत्वानी काय संपत्त, ये योगी को मिलता है, ये काय संपत्त है, उसका रूप उसका लावण्य और उसका बल वज्र की तरह, ऐसा उसका जो है ना स्थूल जो पराक्रम है वो भी बढ़ जाता है जैसे महर्षि दयानंद का था। और उससे अगला सूत्र है फिर इंद्रियों को जीतने का, उसका क्या सूत्र है, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थवत्व संयमात इंद्रिय जय, ग्रहण का मतलब साधन जो विषयों को ग्रहण करते हैं अर्थात इंद्रियां, ग्रहण और इनका अपना स्वरूप, स्वरूप माने इंद्रिय तन्मात्र, और अस्मिता इंद्रियां किससे बनी है, अहंकार से बनी है ना, तो अहंकार का मतलब अस्मिता, तो अस्मिता और अन्वयार्थवत्व संयमात, अन्वयार्थवत्व माने तीन गुण सत्व रजस्तम की साम्यावस्था अर्थात मूल प्रकृति, इनमें संयम करने से व्यक्ति माने यहां से लेकर के इंद्रियों से लेकर के और मूल प्रकृति तक संयम करने से व्यक्ति को क्या हो जाता है, इंद्रिय जय,
इंद्रिय जय नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसका, और उसका परिणाम क्या है? ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। तो मन उसका कैसा हो जाता है? बहुत वेगवान। मन तो पहले इतना वेगवान है, उससे भी ज्यादा वेगवान, माने उसका इतना सूक्ष्म मन हो जाता है कि जिस विषय को चाहे वो विषय तुरंत आत्मसात कर लेगा। वो मनोजवित्वम, जैसे आपको सूत्र याद नहीं होते ना, वो एक बार ऐसे पुस्तक को देखेगा ऐसे, उसको सारी पुस्तक याद। ये है मनोजवित्वम, मन की इतनी फास्ट, इतना तीक्ष्ण सूक्ष्म गति हो जाएगी। मनोजवित्वम विकर्ण भाव है, उससे भी अगला, उसको करण की जरूरत ही नहीं है, बिना आंख के देख सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना हाथ के काम कर सकता है, जिसने इंद्रिय जय कर लिया ऐसा योगी, वो सिद्धियां हैं ये। विकर्ण भाव है, बिना करण के भी वो करण वाला काम कर लेगा, और प्रधान जय, प्रकृति को जीत लेता है। कितनी बड़ी सिद्धि है प्रधान जय वाली। फिर इस साधक के लिए स्थिति बताई अगले ही सूत्र में, क्या है वहां पे, उससे अगला सूत्र क्या है? ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। उसके बाद है वो सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। सत्व पुरुषयोः, सत्व और पुरुष के बारे में जो जान लेता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य, सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति वाला, अन्यता माने दोनों को अलग अलग जानने वाला योगी, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। सब कुछ के ऊपर उसका, सब भावों के ऊपर वो अधिष्ठाता बन जाता है, और सर्वज्ञातृत्वम च, उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं ना, संयम में इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करने की सिद्धि ये है कि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। सब भावों का वो अधिष्ठाता, उसके मन में क्या भाव उठेगा उसके अपने वश में होता है। ये नहीं कि जी नहीं चाहते हुए भी वो भाव आते रहते हैं चित्त में, क्या करें, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारे को डांट दिया, किसी ने हमारे को ऐसी तीखी दृष्टि से देखा, तो अब हम चाहते नहीं है उसके प्रति कोई दुर्भाव लाना, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति प्रीति का भाव आता नहीं है, क्या करें। तो हमारा हमारे भावों के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं अभी तो, लेकिन इसका क्या हो जाता है, सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम, सब भावों के ऊपर इसका वश कंट्रोल हो जाता है, और सब कुछ इसको ज्ञात हो जाता है। और उससे अगली सिद्धि क्या है, फिर अगली स्थिति क्या है, फिर उससे अगली तो कई वल्ले है। सत्व और पुरुष दोनों के बारे में जब इसने जान लिया, तो उससे अगली स्थिति तो क्या है, कई वल्ले की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो सूत्र क्या है उससे अगला, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। तो उससे भी जब इसको वैराग्य हो जाता है, किससे वैराग्य हो जाता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति से, तो बिल्कुल इसको ठीक ठीक दिख रहा है ये प्रकृति है, ये पुरुष है, और इतना ऊंचा जो ज्ञान है, इससे भी वैराग्य हो जाता है, उसमें भी नहीं रहना चाहता है। इतना ज्ञान होके तो वो सोचे कि मैं तो रहूं संसार में, देखो कितनी आनंद की स्थिति है, उससे भी उसको वैराग्य, वो कहता नहीं मुझे तो ईश्वर के ही साथ रहना, उसी में लवलीन हो जाना। तो दोष बीज क्षय, उसके दोषों का जो बीज है अर्थात अविद्या, उसका सर्वथा नाश होने से कैवल्यम, केवल का भाव। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, निर्गुण निराकार की उपासना करना। निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए संयम में इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को अपने वश में करके। इंद्रियां वश में ऐसे ही नहीं होती हैं, उसके लिए बहुत तप करना, बहुत ऊंची स्थिति है वो। विभूति पाद में सारी सिद्धियां प्राप्त करके उसके बाद है भूत जय और इंद्रिय जय। भूतों को जीतने के बाद भी इंद्रियों को जीतना, माने पूरी प्रकृति को जीतना होता है ये। तो ये कोई छोटी सिद्धि नहीं है, कोई छोटी उपासना नहीं है। देखने में लगता है कि एक श्लोक है, लेकिन यहाँ गीताकार ने
बहुत बड़े दर्शन को स्थापित कर दिया है इस श्लोक के माध्यम से। हम सामान्य रूप से यहां तो इन्होंने कहा इंद्रिय ग्रामम संयम्य, संयम्य माने सम्यक प्रकार से अपने वश में करके, थोड़ा थोड़ा वश में करके नहीं, समुचित वश में करके। और वहां हमने अभी पढ़ा सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, इसका परिणाम होगा सब भावों का अधिष्ठाता बन जाना। पहले भावों का अधिष्ठाता बनेगा व्यक्ति, उसके बाद विचारों का अधिष्ठाता बनेगा, उसके बाद वाणी व्यवहार का अधिष्ठाता बनेगा। हम कहां से शुरू करते हैं? हम वाणी व्यवहार से शुरू करते हैं, कर सकते हैं कोई बात नहीं, यात्रा चाहे तो बाहर से अंदर हो या तो अंदर से बाहर हो, लेकिन अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं ये महाकठिन है। ये ऐसा ही है जैसे कोई लहरों से झगड़ा कर करके उनसे झगड़ते झगड़ते समुद्र के अंदर जाना चाहता है, तो ऐसे थोड़ी जाने देंगी लहरें। आपको जाना है तो आप छलांग लगा के जाओ, वो सरल है लहरों के ऊपर से, लेकिन उनसे झगड़ करके जाना ये तो बहुत कठिन। तो हम बाहर से, हम कहते हैं कि हम, हमारे सामने हमारे बड़े बैठे हैं इसलिए अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, मतलब वाणी से नहीं बोलेंगे ऐसे शब्द जो गुस्से में बोले जाते हैं, गाली नहीं निकालेंगे हम क्योंकि बड़े बैठे हैं। लेकिन अंदर अंदर तो चल रहा है तो नुकसान तो हो ही गया, फिर अंदर वाला नुकसान तो हो ही गया, कम से कम बाहर वाले नुकसान से तो बच गए। तो ये फिर बहुत अंतिम स्थिति नहीं है, ये प्रथम स्थिति है। और ऐसा हम रोज करते जा रहे हैं, बाहर से हम रोक रहे हैं इंद्रियों को, वाणी को रोक रहे हैं, शरीर को रोक रहे हैं, दृष्टि को रोक रहे हैं, कानों को रोक रहे हैं, हाथ पैरों को रोक रहे हैं, सारी इंद्रियों को हम रोक रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर से उनके प्रति जो राग है वो चल रहा है। तो इसलिए हमारी गति कहीं होती नहीं है, हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, ये भाव की पहले शुद्धि हो। अगर वास्तव में ही हमें इनको ठीक करना है तो बाहर बाहर से पेड़ को काटने से जड़ फिर नई नई कोंपल उसमें आती रहेंगी। तो वास्तव में अगर किसी को साधक बनना है, निर्गुण निराकार का उपासक बनना है, तो सबसे पहले भाव की शुद्धि, यात्रा उधर से हो, अंदर से बाहर हो, हमारे मन में भाव ही ऐसे ना उठे, और जैसे ही भाव उठे हम भाव को पकड़ें, ये भाव मेरे लिए ठीक नहीं है, और मेरे भावों को ठीक रखना ये मेरी जिम्मेदारी है, दूसरा व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करेगा वो मेरे वश में नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार करने पर किस भाव से रिएक्ट करना है ये मेरे वश में है, और मुझे अपनी इस शक्ति को अपने ही कल्याण में लगाना है। तो चाहे कैसे भी महाप्रलय क्यों ना हो जाए बाहर के संसार में, लेकिन मुझे अपने भाव को नहीं बिगड़ने देना है, ये ही मेरी साधना है, ये ही मेरे मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अगर मैंने अपने भाव को विकृत कर दिया तो फिर मेरा सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और मेरा ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना, बुद्धि प्राप्त करना, ये शास्त्र जानना सुनना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मुझे अपने भाव को दूषित नहीं होने देना है, बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई मेरे साथ कितना भी बड़ा अन्याय कर दे, कितना भी बड़ा दगा कर दे, कितना भी बड़ा धोखा कर दे, कितना भी मेरा अपमान हो जाए, सब कुछ मेरा लूट जाए, सब कुछ मेरा ध्वस्त हो जाए, कितना भी आंधी तूफान जीवन में क्यों ना आ जाए, पर मुझे साधना ये करनी है कि अपने भावों को विकृत नहीं होने देना, भाव यही रखना है कि कोई बात नहीं मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, जिस हिम्मत से मैंने उसको प्राप्त किया था आज वो ध्वस्त भी हो गया तो भी कोई बात नहीं मैं दोबारा खड़ा कर लूंगा, क्योंकि मैं तो हूं ना अभी। तो ये भाव बड़ा शांति देने वाला है, फिर जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही फिर विचार उठेंगे, हमारे उत्साह के विचार उठेंगे, पुरुषार्थ के उठेंगे, तो हमारी शक्ति बच जाएगी नष्ट होने से। दुर्भाव होते हैं तो फिर वैसे ही विचार उठते हैं और उन विचारों में हमारी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर हताशा के विचार आ जाते हैं, निराशा के बीच मैं नहीं कर सकता कुछ भी, यहाँ तो सब कुछ ऐसा हो रहा है कि इन लोगों से जूझना मेरे बस का नहीं है, अब
आदमी हिम्मत हार देता है, तो शक्ति नष्ट हो गई। भाव को यदि हमने पकड़ लिया तो विचार आएगा कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अपने आप को ठीक रखना ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसको तो मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। जब मेरी जिम्मेदारी है तो क्यों ना मैं जागरूक रहूं अपने भावों के प्रति, अपने विचारों के प्रति। और भाव और विचार दो जगह यदि हमने शुद्ध कर लिया, आचरण शुद्ध ही होगा। फिर जैसा बीज वैसा वृक्ष। कर्म आचरण के बीज क्या है? भाव और विचार ही बीज है। तो जब हमारे भाव और विचार यदि शुद्ध हैं, तो हमारा आचरण हमारा व्यवहार निश्चित रूप से शुद्ध ही होगा। और फिर इस व्यक्ति को ना ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होगी कि मुझे किस जगह किन लोगों के सामने क्या बोलना है, कैसा आचरण करना है। अब तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अभी हम जा करके किसी अपने नौकर को, ड्राइवर को, गार्ड को डांट रहे हैं और उसी समय कोई बड़ा आ जाए तो तुरंत हमें चेंज करना पड़ता है अपना गियर, क्योंकि इनके सामने कैसे डांटे, अभी दीदी आ गई, अभी आचार्य जी आ गए, अभी स्वामी जी आ गए, गुरु जी आ गए, तो फिर हमें वो चेंज करना पड़ता है अपना। इस व्यक्ति को कुछ भी चेंज नहीं करना है। जिसका भाव और विचार शुद्ध हो गया तो उसका सबके साथ यथा योग्य व्यवहार ही होगा। इस व्यक्ति को बड़ा संभल के रहना पड़ता है कि कहीं उन लोगों के सामने मुख से कुछ असत्य ना निकल जाए। उस ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, उस महात्मा से मिलने जा रहे हैं और कोई ऐसी चेष्टा हमारे शरीर से, हाथ पैर से ना हो जाए, कुछ ऐसा ना निकल जाए, तो संभल संभल के बोलता है। लेकिन जो अंदर से ही शुद्ध है तो वो चाहे अपने सहपाठी के साथ बात करे, चाहे किसी संत के साथ बात करे, किसी पदाधिकारी के साथ बात करे, उसका एक ही जैसा रहेगा और मन हमेशा प्रशांत रहता है उसका। इसका मन ऊपर नीचे रहता है क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करना पड़ता है, चेकअप करनी पड़ती है। तो बड़ा टफ जीवन है ये, बहुत जटिल जीवन है, बहुत कुटिल जीवन है। और साधक जिसने भाव से शुरुआत कर ली और अपने लिए कर रहे हैं हम, उसे कोई टेंशन भी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी अपने लिए कर रहा हूं, इसलिए मेरा अपना भाव शुद्ध, मेरा अपना विचार शुद्ध, मैं अपने मन में ऐसे विचार आने ही नहीं दूंगा। सारी दुनिया, पता नहीं किसी एक कोई अभिनेत्री है, उसके एक वाक्य थे कहीं एक पत्रिका में, तो उसका बैकग्राउंड जो है ना, वो मतलब अभिनेताओं के घर से नहीं आई थी, सामान्य परिवार से आई थी, लेकिन अच्छी अभिनेत्री थी। तो कहीं कभी कभी कहीं भी कोई अच्छी चीज मिल जाती है। तो उन्होंने एक पत्रिका में लिखा था कि भाई आपने इतनी प्रसिद्धि पाली सामान्य घर से आकर के, इसका राज क्या है? बोले मैंने आते ही ना एक लाइन अपने उसमें लिख ली थी डायरी में, मैंने तय कर लिया कि यहाँ इंडस्ट्री में कुछ कैसी भी कुछ भी परिस्थिति आ जाए, पर मुझे अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान बना के रखनी, मुझे हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है। अब ये एक उसने तय कर लिया, अब कुछ भी हो जाए चाहे वहां, तो ऐसे साधक तय कर लेता है कि मुझे अपने भाव को और अपने विचार को, उसने तो चलो भौतिक उसके लिए उसने तो वो प्रैक्टिस की थी क्योंकि उसकी पहचान ही उसके स्माइलिंग फेस से हुई थी, तो बोले मुझे इसको नहीं विकृत होने देना क्योंकि इसी से तो मेरी प्रसिद्धि हुई, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो कुछ भी हो जाए यहाँ पर इसको नहीं बिगड़ने देना है मुझे। ऐसे साधक अपने भाव और विचार के प्रति कटिबद्ध होता है, अपनी इंद्रियों के नियंत्रण के प्रति कटिबद्ध होता है। नहीं तो बड़े दर्शन, व्याकरण और वेद और उपनिषद पढ़ करके भी बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। यहां आम बशर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। कब व्यक्ति का कहां शीर्ष आसन हो जाए, सब कुछ पढ़ पढ़ा के भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने भाव और विचार और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है दुनिया में। क्या ये छोटी उपलब्धि है? वो चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे ब्रह्मचर्य में रहे, वानप्रस्थ में रहे, संन्यास में रहे, उसने शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, उसने वेद दर्शन उपनिषद पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन निर्भय होकर के विचरता है वो सारे संसार में भगवान का पुत्र होकर के। ये है विद्या।
विद्या जो इसमें पढ़ रहे हैं ये तो इंडिकेशन है विद्या, ये विद्या नहीं है पूरी, ये शब्द विद्या है केवल, शब्दवित बना देगी ये हमें। आचरण तो व्यक्ति के उसमें तब उतरेगा जब वो स्वयं उसमें कटिबद्ध होकर के लगेगा कि मुझे कोई डिगा नहीं सकता है, कोई भी प्रलोभन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति, नहीं तो वो उसके योग दर्शन में भी आती है ना नहुष की कथा कि उसको एक दिन के लिए इंद्र का पद दिया गया, बहुत पुण्य किए उसने, यज्ञ आदि किए, एक दिन के लिए इंद्र का पद दिया, लेकिन वहां पहुंच करके भी भाव और विचार शुद्ध नहीं थे, तो बोले आज एक ही दिन तो इंद्र का पद मिला है तो क्यों ना इंद्र की पत्नी शची के साथ भोग करता हूं। और ऐसा करके उसने वो ऋषियों को कहा कि मेरी पालकी उठा के ले चलो, जो स्वर्ग में ऋषि थे। और जब ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे कि देखो नालायक एक दिन के लिए तो आया तो भी यहां भी आकर के उल्टा ही काम कर रहा है, तो धीरे धीरे चल रहे थे कि थोड़ा टाइम तो कम हो तो ये पाप से बच जाए, तो उन्होंने उसने लात मारी ऋषि को, उसको जल्दी थी चलने की कि तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलते हो। ऋषि ने शाप दिया कि तुम इतने अंधे हो गए हो और जो जिस शरीर के अंग से तुमने हमारे ऊपर प्रहार किया है, तुम जाओ वो अंग तुम्हें मिलेगा ही नहीं, इसी समय तुम सरीसृप बन जाओ। उसी समय स्वर्ग से गिर गया सांप बन करके, पैर है ही नहीं सांप के, बिना ही पैर के चलना तो कांटों में भी, धूल में भी, मिट्टी में भी, पानी में भी। पद तो मिल गया, लेकिन पद मिलते ही पद का क्या किया उसने, दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्यों किया, क्योंकि भाव और विचार शुद्ध नहीं था। तो कभी कभी व्यक्ति को ऊंचा पद तो मिल जाता है बाहर के डिग्री डिप्लोमों से, बाहर के धन ऐश्वर्य से, बाहर के डिग्रियों से, लेकिन वो उस पद का फिर दुरुपयोग करेगा, तो दुरुपयोग करेगा तो ऐसे ही गिरेगा नहुष की तरह से फिर धरती के ऊपर। इसलिए यहां हमें गीता बता रही है कि भाई सम नियम में इंद्रिय ग्रामम, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। और इंद्रियों से भी पहले योग दर्शन ने हमें क्या कहा, अपने भावों को वश में रखो। उससे पहले भी कह दिया प्रथम अध्याय में भी, ये तो मैंने तृतीय अध्याय का उदाहरण दिया आपको, विभूति पाद का प्रथम पाद में ही बता दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तश्चित्त प्रसादनम, तो वहां भावना के बारे में बताया कि भाव कैसे रखने हैं हमें। तो इन चार के अलावा और कोई भाव नहीं आना चाहिए चित्त में, ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्रति जी, मेरे भाव तो इसलिए बिगड़े उसने ऐसे किया। कोई कुछ भी करे लेकिन आपको चार भाव से बाहर नहीं निकलना है, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव, और कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो निर्लिप्तता का, उपेक्षा का भाव, उसमें आप डूब मत जाओ। चार भावों के अलावा किसी पांचवें भाव को रखने की अनुमति पतंजलि ऋषि नहीं देते। तो भाव शुद्ध होने से विचार शुद्ध, विचार शुद्ध होने से फिर आचरण शुद्ध। तो ये पहली शर्त बताई, संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः, ये उससे भी बड़ी शर्त है। पहली भी बहुत बहुत ही एक इसका विराट क्षेत्र है इंद्रिय ग्राम को, इंद्रिय समूह को। ग्राम का मतलब यहाँ गांव नहीं है, समूह, इंद्रिय समूह को, एक एक इंद्रिय को वश में नहीं किया जाता है। ये कुछ प्राणी ऐसे हैं कि उनकी चार इंद्रियां तो उछल कूद नहीं करती हैं, एक इंद्रिय चंचल है और उसके कारण वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है। तो आपने श्लोक याद किया है, एक एक विषय से पतंग कुरंग वाला याद किया है, बोलो। पंच भीरेव पंच, इसका क्या बनेगा जो पांचों का सेवन कर रहा है। पतंग मीन आदि तो एक एक विषय का सेवन करते हैं, एक के कारण वो फंस जाते हैं, और मछली खाने के उसको शौक है तो कांटे में फंस जाती है, खाने के लिए जाती है। पतंगे को रूप
पसंद है, वो चमकता हुआ रूप उसको अच्छा लगता है, वहां जाता है उस रूप के लिए, वहीं जल के मर जाता है। तो ऐसे ये तो एक-एक इंद्रिय के वश में है, इसका क्या बनेगा? यह सेवते पंच भीरे व पंच, जो पांचों के वश में है इसका क्या बनेगा? तो इंद्रियां हमें कहां से कहां पहुंचा देती हैं, एक संयमी आदमी जीवन में थोड़े से काल में कहां से कहां पहुंच जाता है, कितने लोगों को सुख दे जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति किसी एक इंद्रिय के कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण, वो व्यक्ति इतने बड़े सुनहरी अवसर को कैसे खो देता है। जो हीरे जैसा जीवन मिला था उसमें कुछ भी नहीं कर पाता है, ये सब इंद्रियों की वीकनेस और इंद्रियों के कंट्रोल की महिमा है।